Shama Pande. hello students i am Shama pandey i will teach you chemistry and today's our topic is type of reaction there are five type of reaction first is combination reaction second is decomposition reaction and third is displacement reaction fourth is double displacement reaction and last is redox reaction so we will discuss here first combination reaction combination reaction may do रिएक्टेंट आपस में टकराकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एच टू ओ टू के साथ कंबाइन करके एच टू ओ मोलिक्यूल देता है यहां पर जब भी हम कॉम्बिनेशन कराते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है फॉर एग्जाम्पल जब भी हम किसी चम्मच को ग्लास से टकराते हैं तो वहां से एक आवाज़ साउंड जो होती है रिलीज होती है तो वहां पर एनर्जी साउंड के फॉर्म में रिलीज होती है उसी तरीके से जब भी हम किसी दो रिएक्टेंट को आपस में टकराते हैं यानी कंबाइंड करते हैं तो एनर्जी हमेशा रिलीज होगी इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है सेकेंड इज डी कम्पोजिशन रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो ब्रेकडाउन होता है दो प्रोडक्ट या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ठीक है दो या दो से ज्यादा हिस्सों में टूटता है रिएक्टेंट तो जब भी हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो उसमें हमें अपना फोर्स लगाना पड़ता है सपोज के हम इस पेन को या पेंसिल को तोड़ना चाहते हैं तो हमें उसमें बल देना पड़ेगा बल का प्रयोग करना पड़ेगा तो इस तरीके से जब भी हम किसी रिएक्टेंट को तोड़ना चाहते हैं तो उसमें हमको हीट या एनर्जी देनी पड़ती है एनर्जी लगानी पड़ती है तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो जाता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं अमोनिया है अमोनिया को तोड़ रहे हैं हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में यहां पर हम इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे ठीक है अभी ए जी थ्री है ए जी थ्री को भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम ए जी प्लस नाइट्रेट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है जब भी कोई एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट से उसको रिप्लेस करके अपना सॉल्ट बना ले और उसको बाहर निकाले जैसे ए क्या है A एक रिएक्टेंट है और बीसी से रिएक्ट करके ए सी बना दिया बी को बाहर निकाले फॉर एग्जाम्पल जो भी गरीब होगा उसके पास तो आप नहीं जाओगे ना दोस्ती करने के लिए जिसके पास पावर होगा या पैसे होंगे उसके पास ही कोई जाता है दोस्ती करने के लिए तो जिसके पास पावर है वो कम पावर वाले को रिप्लेस कर सकता है तो यहाँ पर ए के पास ज्यादा पावर है बी से तो बी सी बी सी में से बी को रिप्लेस करके बाहर निकाल दिया और खुद ए सी कम्बाइंड करके मतलब ए सी से कम्बाइंड करके ए सी बना देता है अब कैसे पता चलेगा हमें कि किसके पास कितना पैसा यानी किसके पास कितना पावर है तो केमिस्ट्री में एक सीरीज होती है जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो अपने से कम रिएक्टिविटी वाले को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर देगा फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम एक सीरीज का छोटा सा आपको दिखा देते हैं ये देखिए सीरीज लिथियम पोटेशियम बेरियम स्टानसियम कैल्सियम सोडियम मैग्नीशियम और ये रही आपकी सीरीज और यहाँ पर आ जाते हैं हाइड्रोजन के बाद कॉपर मर्करी एजी और प्लेटिनम ठीक है अब जो भी इस सीरीज में सबसे टॉप पे है वो मोर रिएक्टिव है यानी वो किसी को भी इनमें से अपने से नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है ये सब अपने से नीचे वाले को रिप्लेस कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो आपको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ लिक बासर काना मग अल मंजन कर फे कर, को निक सन पब हाइड्रोजन कॉपर मर्करी ए जी पी टी ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं जिंक सॉल्ट है ठीक है यहाँ पर आ जाइए जिंक सॉल्ट यहाँ पर हम लेते हैं जिंक सल्फेट जिंक सल्फेट को सोडियम से जब हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर सोडियम क्या कर रहा है उसी के सॉल्ट से यानी सल्फेट से जिंक को बाहर निकाल दिया और खुद आकर के सोडियम सल्फेट बना लेता है क्यों बना लेता है क्योंकि यहां पर देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि ये ऊपर है जिंक से तो जिंक को ये रिप्लेस कर सकता है वैसे यहाँ पर देखिए आयरन है कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बना लिया कॉपर को अलग कर दिया तो यहाँ पर देखिए फिर मतलब आयरन कहाँ पर है और कॉपर कहाँ पर है तो रिप्लेस हो जाएगा ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी होता है ठीक है ये एग्जांपल आप देख लीजिए AgNO3 से रिप्लेस करके डबल डिस्प्लेसमेंट में मेटल्स के एक्सचेंज होते हैं यानी AgNO3 और NaCl के मेटल आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं